हेलो व्यूअर्स, रूबी का जायका में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम एक नई रेसिपी के साथ आए हैं। आज की रेसिपी है भरवा परवल। इसे हम सबसे पहले इस तरह से बड़े बड़े साइज के पटल लिए हैं। इसे अब हम इस तरह से खुरच कर साफ कर लेंगे। इसके छिलके को इस तरह से खुरच कर निकालना है, छीलना नहीं है। इसे हमने खुरच कर छिलका उतार लिया है। अब इधर से दोनों साइड इसका कट कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से धुल लेंगे। इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे इस तरह से। इसे फैलाकर इसके अंदर से सारे बीज को निकाल लेना है। हमें एक स्पून की डंडी से इस तरह से निकालेंगे तो ये आसानी से निकल आएगा। इस तरह से हम सारे परवल को साफ कर लेंगे। अब इसमें हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। यह पैन में हमने तेल डाला है, ये गरम हो गया है। इसमें हम बस थोड़ी सी ये हींग डालेंगे, थोड़ा सा ये सौंफ है, थोड़ा सा ये जीरा है और थोड़ी सी अजवाइन है। अब इसमें हम ये चॉप्ड प्याज डालेंगे जिसे हमने बारीक चॉप करके रखा है। हरी मिर्च है, इसे बस एक मिनट के लिए हम पकाएंगे। अब इसमें हम बस ये 1 टीस्पून बेसन है इसे डालेंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। इसे हाई फ्लेम पे ही 1 मिनट के लिए इसे भी भूनेंगे। अब इसमें हम ये 1 टेबल स्पून ये धनिया पाउडर है इसे डालेंगे। धनिया पाउडर थोड़ा ज्यादा पड़ता है। ये गरम मसाला पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, ये काली मिर्च पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है और ये जीरा पाउडर है। इन सबको इसमें हम मिक्स कर देंगे। एक मीडियम साइज टमाटर को हमने चॉप करके रखा है, इसे भी इसमें ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून नमक, थोड़ा सा लेमन जूस इसमें डाल देंगे। ये अदरक को थोड़ा सा हमने ग्रेट करके रखा है कद्दूकस करके, इसे भी इसमें ऐड कर देंगे। इसमें थोड़ी सी ये दही डालेंगे, 1 टेबल स्पून है ये। ये अच्छे से भून गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। ये स्टफिंग हमारा तैयार है। इस तरह से हम एक एक परवल को उठाएंगे यहाँ से, इस तरह से इसे दबा के इस तरह से फैलाएंगे और इसके अंदर एक स्पून से हम डाल देंगे इसको। इस तरह से दबाते हुए इसे भर देना है और इस तरह से ऐसे दबा के बंद कर देना है। ओवरफ्लो इसे नहीं करना है। इसी तरह सारे परवल को हम इसमें भर लेंगे। ये 2 टेबल स्पून हमारा मसाला है। इसमें है अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, लाल मिर्च और इसमें हल्दी पाउडर है। बस इसे अब डाल देंगे। फ्राई पैन में हम तेल गरम रखा है, इसमें इसे डालेंगे। बहुत हल्का मसाला डालना है, इसमें ज्यादा मसाला नहीं डालना है। 1/2 टीस्पून नमक लिया हमने, बस थोड़ी सी दही है 1 टीस्पून के तकरीबन। और ये जो हमारा स्टफिंग बचा हुआ है इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस मसालों को हमने 1 मिनट के लिए भुना। अब इसे हम जो स्टफ करके रखा है परवल को, इन सारे परवल को इसमें डाल देंगे इस तरह से और इसे चला लेंगे। इस तरह से कोट कर देंगे सारे मसालों को इसके ऊपर। अब इसे हम ढक के लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 5 मिनट हो गए, इसे अब हम देखते हैं। ये देखिए मसाला बहुत अच्छी तरह से भून गया है। अब इसमें हम बस थोड़ी सी पानी ऐड करेंगे। इस तरह से हम चेक करेंगे परवल हमारा गला है कि नहीं। तो थोड़ा कड़ा है ये, इसलिए बस थोड़ा सा पानी, छोटा कप से 1/2 कप तकरीबन पानी डालेंगे। इसे इस तरह से मिक्स करके अब हम फिर से लो फ्लेम करके इसे 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे। तो 7 से 8 मिनट हो गए इसे पकते हुए। अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा से इसका कलर आया है। अब हम चाकू की मदद से इसे हम देख लेते हैं। ये देखिए गल गया है पटल।
अब हम इसे गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। ये हमारा तैयार है। तो ये देखिए हमने इसे सर्व कर लिया है। ये भरवा परवल तैयार है। आप लोग इसे बनाइए और ट्राई कीजिए और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई नई रेसिपीज के लिए बेल आइकन दबाइए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।